जल्द हो सकती है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की घोषणा। महंत नृत्यन गोपाल दास हो सकते हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, महंत नृत्य गोपाल दास की बढ़ाई गई सुरक्षा, मणिराम जाने वाली सड़कों को किया गया सील। तो आपको बता दें बड़ी खबर है, जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की जा सकती है। तो वहीं मणिराम जाने वाली सड़कों को भी सील कर दिया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़े हैं इस पूरे मामले पर। तो सत्यप्रकाश, क्या कहा जा सकता है इस पूरे मामले पर, क्योंकि 3 महीने होने को आया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 महीने का समय दिया था ट्रस्ट की घोषणा करने को, तो आज ट्रस्ट की घोषणा हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, जरूर आज जो है मंदिर निर्माण ट्रस्ट की जो है घोषणा होने वाली है। इसको लेकर गोपाल दास जी जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, महंत नृत्य गोपाल दास जी राम जन्मभूमि न्यास के वो अध्यक्ष हो सकते हैं। इसको देखते हुए उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मणिराम दास छावनी को जाने वाली सभी मार्गों को सील कर दिया गया है, बड़ी मात्रा में फोर्स तैनात है, कई अधिकारी मौके पर यहाँ बैठे हुए हैं। तो वही ये भी सुनने में आ रहा है, जिसको लेकर जो पूर्व में और भी कई ट्रस्ट चल रहे थे, जैसे राम जन्मभूमि निर्माण न्यास या महंत परमहंस दास जो एक बार विवादों के घेरे में रहे मणिराम दास छावनी को लेकर, इन लोगों कई लोगों जो है नजरबंद भी किया जा सकता है अभी थोड़ी देर में। फिलहाल मौके पर इस तरह से ये सुरक्षाएं अचानक बढ़ाई गई है, माना जा रहा है कि ट्रस्ट की घोषणा कभी किसी भी समय आज आ सकता है, इसको लेकर ये सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। यहाँ पे सभी संत और विश्व हिंदू परिषद, पहले भी ट्रस्ट को लेकर मांग की गई है कि इसी 3 महीने के अंदर ही ट्रस्ट की घोषणा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार भी इन लोगों के बातों को ध्यान में रखते हुए आज ट्रस्ट की घोषणा करने जा रही है। इसको लेकर अयोध्या काफी इसमें गर्म महसूस हो रहा है, चारों सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं, सभी मार्गों को सील के अलावा आने वाले मार्गों को जो है पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, सघन चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।